हाँ देखिए दोस्तों, आज मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन यदि आपको पूरी टेंस सीखनी है तो भली भांति सभी टेंस के सभी वीडियो को देखिए। देखिए प्रत्येक टेंस में चार चार वीडियो बनाऊंगा। एक टेंस तो पहली वीडियो तो अफर्मेटिव, यानी जो सीखने वाले हैं वो हर टेंस के स्टार्टिंग वाले पहली पहली वीडियो सिर्फ देखें। उसके बाद थोड़ी आगे तो फिर थोड़ी आगे दूसरी दूसरी, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव से संबंधित। इसके बाद तीसरी वीडियो देखें, ठीक, जिसमें मिसलिनियस हो जाएगा, फिर WH क्वेश्चन और फिर सेट मारने तक आसानी से बताया जाएगा। तो कृपया पहली वीडियो से छोटा छोटा करके ताकि समझ में आए, और यदि अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये मेरे चैनल द्वारा फास्ट ट्रिक्स ऑफ GK बाई राजेश्वर पांडे द्वारा हर टेंस को बहुत ही हौला भाषा में समझाया जाएगा। तो दोस्तों देखें, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में, जिसका हिंदी होता है अनिश्चित वर्तमान काल, जो अभी निश्चित नहीं है कब तक काम चलेगा। अनिश्चित वर्तमान काल, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट इंडिफिनिट INDEFINITE टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, इनडिफिनिट, डिफिनिट मतलब निश्चित, इनडिफिनिट अनिश्चित, टेंस मीन्स काल। अनिश्चित वर्तमान काल के बारे में जिसकी पहचान, सबसे पहले हम ट्रांसलेशन के माध्यम से ले चलते हैं, फिर ग्रामेटिकल माध्यम से चलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान है ता है, ती है, ते है, इत्यादि। अब देखें कैसे ता है, ती है, ते है, इत्यादि। क्या कोई कह दे कि यह एक कुत्ता है तो क्या इस टेंस के होगा? नहीं 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 क्यों? क्योंकि कुत्ता तो वाक्य के अंत में है ना, कुत्ता संज्ञा है। चूंकि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, इत्यादि होनी चाहिए। जैसे जैसे में राम जाता है, जाना क्रिया है, क्रिया के अंत में ता है। मैं खाता हूं, ता हूं, पढ़ खाता हूं तो खाना क्रिया है। तुम पढ़ते हो, ते हो, क्रिया है। गाय चरती है, ती है, क्रिया है, ठीक। तो राम जाता है, मैं खाता हूं, तुम पढ़ते हो, गाय चरती है, वे लोग दौड़ते हैं, श्याम खेलता है। ये हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है से इस टेंस की पहचान हो जाती है। दोस्तों ऐसे वाक्यों को जब आप देखें कि राम पत्र लिखता है, मोहन गेंद खेलता है, श्याम बाजार जाता है, तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की वाक्य हैं। अब दोस्तों देखते हैं इसके बनाने का क्या नियम है। तो बनाने के नियम में दोस्तों हम लोगों को देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, अन्य शब्द। हर वाक्य में चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन अन्य शब्द तो होता है ना कुछ। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया। तो यदि हिंदी वाक्य है राम जाता है, तो राम तो सब्जेक्ट है, जाना वर्ब है। लेकिन कभी कभी हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द या ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो राम कर्ता है, आ किताब कर्म है और पढ़ना क्रिया है। लेकिन इंग्लिश वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अन्य शब्द। तो दोस्तों देखें, जैसे मैं पढ़ता हूं, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ध्यान दे दोस्तों, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसमें इज एम आर नहीं लगता है। आप लोगों को याद रखना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में जिसमें ता है, ती है, क्रिया के अंत में है, उसमें इज एम आर हम कभी नहीं लगाएंगे। मैं पढ़ता हूं, मैं के आई, पढ़ना के रीट, आई रीट। तुम खाते हो, तुम, यू, इट मीन्स खाना, यू इट। वे लोग खेलते हैं, दे मीन्स वे लोग, प्ले मीन्स खेलना। इसमें इज एम आर कहीं नहीं लगेगा, आसानी से बना देंगे। हम लोग दौड़ते हैं, वी मीन्स हम लोग, रन मीन्स दौड़ना। मैं पत्र लिखता हूं, आई, उसके बाद मैं क्या करता हूं, लिखता हूं, तो लिखना का राइट, उसके बाद पत्र का ये लेटर, यानी जो करते हैं वो क्रिया है। सब्जेक्ट के बाद वो वर्ब आएगा, क्रिया, उसके बाद ए लेटर, बीच वाला लास्ट में जाता है। दोस्तों ध्यान दें, तुम किताब पढ़ते हो, यू मीन्स तुम, उसके बाद क्या करते हो, पढ़ते हो, तो पढ़ना के रीड, उसके बाद बीच वाला किताब लास्ट में जाएगा, ए बुक, यू रीड ए बुक। अच्छा ध्यान दे दोस्तों, नोट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है उसके साथ क्रिया में SES जोड़ा जाता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है कौन सा? जैसे ही, सी, ईट, राम, सीता, द काऊ, द डॉग, द बॉय, द टीचर, इत्यादि। ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहे जाते हैं। ही, सी, ईट और एनी नेम इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। के साथ सब्जेक्ट रहने पर, ये यदि सब्जेक्ट रहे ही, सी, ईट या कोई नाम, द टीचर, द डॉग, द काऊ, राम, सीता, रहने पर क्रिया में SES जोड़ा जाता है। SES जोड़ने से
क्रिया जो है वर्ब वो सिंगुलर बन जाती है। ध्यान दे दोस्तों, नाउन में एस सी एस जोड़ने से तो प्लूरल बनता है, जैसे बॉय से बॉयस, काउ से काउच, डग से डग्स, लेकिन वर्ब में जब एस सी एस जोड़ा जाता है तो सिंगुलर बनती है। गो से गोज, गोज सिंगुलर हो गया। कॉम से कॉम्स, कॉम्स सिंगुलर हो गया। रन से रन्स, रन्स सिंगुलर हो गया। इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए इसमें एस सी एस जोड़ा जाता है। दोस्तों आगे देखो, तो ही सी ईट राम सीता द काउ द डॉग द टीचर द बॉय इत्यादि, इसके साथ क्या जोड़ेंगे, एस ई एस। दोस्तों ध्यान से देखिए, आगे देखिए, जैसे एग्जाम्पल में वह जाता है तो ही, जाना के गो है, लेकिन ही है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ई एस जोड़ेंगे, गोच। वह पढ़ती है, सी रीड है तो रीड्स, क्योंकि ही सी ईट के साथ ए सी एस जोड़ना है ना। यह भौंकता है, यह कुत्ते के लिए आया है। संभवतः छोटे छोटे जीव जंतु सेक्सीन कीटाणु और निजीव के लिए ईट का प्रयोग होता है, ईट बार्क्स। राम दौड़ता है, राम रॉन्स, राम नाम है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए ए सी एस जोड़ रहे हैं रॉन्स। यही मैं दौड़ता हूं होता तो आई रन, ए सी एस नहीं जोड़ते। सीता खाती है, सीता ईट्स, सीता खाती है ईट्स। गाय चरती है, द काउ ग्रेजेज, एस जुड़ गया। कुत्ता भौंकता है, द डॉग बार्क्स। यही कुत्ते भौंकता है होता, डॉग्स हो जाता, तब बार्क में एस नहीं जोड़ते, क्योंकि प्लूरल का है, लेकिन यहाँ कुत्ता सिंगुलर है इसलिए एस जोड़ेंगे। शिक्षक पढ़ाते हैं, द टीचर टीचेज, टीच में ई एस, क्योंकि एक शिक्षक है। लड़का दौड़ता है, द बॉय रन्स। दोस्तों ध्यान दें, जैसे अब ऑब्जेक्ट वाला भी एक दो गो मिसलिनियस वाक्य ले ले, यहाँ से हम लोग मिसलिनियस में आ गए। राम पत्र लिखता है, तो राम राइट्स ए लेटर, राम के बाद क्या करते हैं, लिखते हैं, तो लिखना के उसके बाद पत्र के, ए लेटर। तुम गेंद खेलते हो, यू प्ले, खेलना के उसके बाद ए बॉल या ए फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल ही बॉल के नाम से ज़्यादातर विख्यात है, ठीक, तुम गेंद खेलते हो। अच्छा, सीता घर जाती है, सीता गोज होम। यदि होम लगाएंगे दोस्तों तो टू कभी नहीं लगता है, क्योंकि होम से बर्थ प्लेस वाला होम का बोध होता है, और सीता गोज टू हाउस, यदि हाउस लगाएंगे तो उसमें टू लगता है, हाउस के पहले लगता है लेकिन होम के पहले नहीं लगता। दोस्तों ध्यान दें, वह दिल्ली से आती हैं, सी कॉम्स फ्रॉम दिल्ली। जब कहीं से आते हैं कि तुम पटना से आते हो तो यू कॉम फ्रॉम पटना, वह दिल्ली से आती हैं तो कॉम्स फ्रॉम दिल्ली, ठीक ना। अच्छा, तुम कॉलम से लिखते हो, जिस वस्तु से कोई काम किया जाता है उस वस्तु के पहले विथ, यू राइट विथ ए पेन, तुम पेंसिल से लिखते हो, यू राइट विथ ए पेंसिल, ठीक। अच्छा, वह जैसे एरोप्लेन से आता है तो ही क्रॉम्स बाई एरोप्लेन, वाहन के पहले, वह पटना से बस से आता है तो ही कम फ्रॉम पटना बाई बस, बस के पहले बाई लग जाएगा। दोस्तों ध्यान दें, नोट, इस टेंस में लगने वाले मुख्यतः हेडवर्ब कौन कौन से होंगे, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली इत्यादि इस टेंस के एडवर्ब हैं। दोस्तों एडवर्ब को अवश्य याद रखिए, क्योंकि जब हम ग्रामर इसका बनवाने लगेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा दोस्तों, ठीक। इस प्रकार से एक एक वीडियो ज़्यादा लंबा न करते हुए अगला वीडियो में हम इंट्रोगेटिव निगेटिव डालेंगे, उसके अगला में डब्ल्यू एच वर्ड और इससे संबंधित करेक्शन। तो दोस्तों ध्यान दें, यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और इसको अपने नोटबुक में लिख लिख के बना के आसानी से टेंस को सीखा जा सकता है। धन्यवाद।